साथ में यमुना व सेंगुर नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। भोगनीपुर सिकंदरा तहसील में 30 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, जिसके चलते सैकड़ों परिवार घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। आपको बता दें कि रास्ते में 15 से 20 फुट तक पानी भरने से आवागमन के लिए अब सिर्फ नावों का सहारा ही बचा है। अब घबराकर ग्रामीण गांव से पलायन करना भी शुरू कर दिया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं, जहां जिला प्रशासन के द्वारा रहने से खाने तक इत्यादि व्यवस्था कराई गई है। वहीं कुछ लोगों ने घरों की छत पर पॉलीथीन लगाकर डेरा डाल रखा है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में खतरे के निशान से 4.25 मीटर ऊपर नदियों का पानी बह रहा है। यमुना का जल स्तर अब 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ना शुरू हो चुका है। वहीं अभी जल स्तर और बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।